हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष और स्वागत करता हूँ अपने चैनल मैथ स्टार्टअप पे। तो फ्रेंड्स, आज की टॉपिक है व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो चलिए आइए इसे एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने दो ट्रायंगल शेप ले रखा है, ओके। अगर इन दोनों ट्रायंगल शेप को मैं एक के ऊपर एक कुछ इस तरीके से रख दूँ, ओके, और आपसे पूछूँ कि क्या आपको सामने से पीछे वाली ट्रायंगल दिख रही है, तो आपका आंसर होगा कि नहीं दिख रही। अगर मैं उस साइड से पूछूं कि क्या पीछे वाली ट्रायंगल आपको दिख रही है, तो आपका अगेन आंसर होगा नहीं दिख रही है। तो फ्रेंड्स, इस केस में ये दोनों ही ट्रायंगल एक दूसरे को अच्छे से कवर कर ले रहे हैं, तो ये दोनों ही ट्रायंगल शेप्स क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ओके। और इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में जो इनके एंगल्स होंगे और इनके साइड्स होगी वो इक्वल होगी। किसी भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में जो उन सारी एंगल्स होती हैं और सारे साइड्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ओके। अब फ्रेंड, तो चलिए हम देखते हैं कि अगर दो लाइन हो आपस में, दो लाइन अगर इनकी लेंथ मैं इक्वल मान लूं 4-4 सेंटीमीटर, तो ये दोनों लाइन आपस में कॉन्ग्रेंस लाइन हो जाएंगी, ओके। अगर मैं कोई दो एंगल बना लूं, ये एंगल 40 डिग्री हो और ये भी एंगल 40 डिग्री हो, तो ये दोनों एंगल आपस में कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि दो ट्राइंगल्स को अगर हमें कॉन्ग्रेंट दिखाना है तो उसको हम कैसे दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई दो ट्राइंगल है, ठीक है, अगर दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे पहला है कि इसके साइड 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 क्या हो, इक्वल हो। जैसे ये वाला साइड इस साइड के इक्वल हो, ये वाला साइड इस साइड के इक्वल हो, और दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। अगर ये किसी दो ट्रायंगल में उनकी तीनों साइड आपस में इक्वल हो जाती हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों ही ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ओके। और अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड एक एंगल और एक साइड इक्वल हो जाता है, जैसे यहाँ मैंने दो ट्रायंगल ले लिया, अगर इसमें ये साइड इस ट्रायंगल से साइड के इक्वल हो और ये साइड इस ट्रायंगल साइड के इक्वल हो, और कोई एंगल मान लेते हैं ये एंगल ये इसके इक्वल हो, ओके, तो हमें दो साइड और एक एंगल दोनों ट्रायंगल्स में मिल गई, तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। तीसरा क्राइटेरिया क्या होता है कि एंगल साइड एंगल मींस अगर किसी दो ट्रायंगल्स में हमें ये पता चल जाए कि दो एंगल्स सेम हैं, ओके, और कोई एक साइड सेम है, तो भी हम इन दोनों ही ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहेंगे, ओके। फिर फ्रेंड्स, एक आता है राइट एंगल ट्रायंगल। इसकी क्राइटेरिया क्या होती है कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने की? इसमें आर एच एस होता है, मतलब कि राइट एंगल, ओके, राइट एंगल 90 डिग्री होना चाहिए दोनों ट्राइंगल, ओके, 90 डिग्री दोनों ट्राइंगल होना चाहिए। फिर हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस इक्वल होने चाहिए और दोनों में से कोई एक साइड इक्वल होनी चाहिए, ओके। अगर किसी दो ऐसे 90 डिग्रीज के राइट एंगल ट्राइंगल में ऐसी क्राइटेरियाज मिलती हैं कि उनके हाइपोटेनस और एक साइड दोनों में इक्वल हो, तो ऐसे ट्रायंगल्स को भी हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहेंगे। तो फ्रेंड, ये चार क्राइटेरियाज हैं जिसके बदौलत हम किसी भी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, फ्रेंड, ओके। तो चलिए आइए एक क्वेश्चन करके इस पे हम देखते हैं, ओके। तो आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? सपोज ये एक क्वेश्चन दे दिया मैंने, ओके, और इसे एक इसको नाम भी दे देते हैं ए बी सी डी, ओके। अब मैंने ये दे दिया कि ये वाली लाइन इसके इक्वल है और ये वाली इसके इक्वल है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ओके। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे जो इस ट्रायंगल में दिया होगा, जैसे ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी,
इन दोनों ट्राइंगल में देखेंगे तो हम कहेंगे कि इस ट्राइंगल में ए ओ इस ट्राइंगल के ओ डी के इक्वल है, तो यहाँ पे ओ ए इक्वल्स ओ डी, ये है गिवन। ओके, फिर सी ओ इक्वल है ओ बी, सी ओ इक्वल्स ओ बी, ये भी गिवन है। ओके तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ दो साइड मिल चुकी है, दोनों ही ट्राइंगल में देखा जाए तो हमें एक साइड ये और एक साइड ये मिल चुकी है। अब हम या तो कोई एंगल फाइंड कर लें या ये साइड इक्वल कर लें, तो ये साइड इक्वल तो हमें दी नहीं है। ओके तो हम इसे इक्वल नहीं कर सकते। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ देखें तो हम वर्टिकल या पूरे एंगल जानते हैं कि जब कोई दो लाइन एक दूसरे को कट करती है तो उसके सामने वाले एंगल्स ये दोनों इक्वल होती हैं। अगर ये एंगल ए है तो ये भी एंगल ए हो जाएगी। ओके और अगर ये एंगल बी है तो ये वाले भी एंगल बी हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए ये दो लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगी, एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल सी ओ डी के। ओके ए ओ बी इक्वल होगा सी ओ डी के, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से हुआ है। ओके अब यहाँ देखिए हमारे पास दो साइड और एक एंगल दिया है, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल ए ओ बी ये कॉन्ग्रेंट है किस ट्रायंगल के, सी ओ डी के, सी ओ डी के किससे, बाय साइड एंगल साइड से। ओके तो फ्रेंड्स हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूफ कर दिया, कॉन्ग्रेंट। तो अब दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रेंट होती हैं तो आप जानते हैं क्या होता है कि इनके सारे साइड्स के इक्वल होंगे और इस ट्रायंगल के सारे एंगल्स इस ट्रायंगल के सारे एंगल्स के इक्वल होंगे। ओके तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।